आ बैठ मारे साथ। जीवन में पहली बार जीव सोरा किया है तूने मारा, आज पहली और आखिरी बार तारी सास तने खाना परोसेगी। खा, देख के सब बढ़िया बना है, ले। खा। सूरज, तू तो मिठाइयों का जौहरी है, कितना नंबर देवेगो हमारी बीनड़ी ने कि हलवा कैसा बना है। रे छोरियों की तरह गाल के लाल करे है, खाकर तो बता। भाभू। सूरज साहब, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, भाभी की बधाई छंदों में करना। हाँ हाँ, हाँ भैया, कुछ प्यार से। अब भाभी के हलवे से मीठा कुछ बोलो तो बात भी बने, लेकिन छंदों में। हाँ और हाँ भाभी, अगर तारीफ पानी ना भैया से तो अपने हाथ से खिलाइए उनको आप। हाँ हाँ खिला दे, मैं मारो मुंह दूजी और कर रही हूँ। भाभी खिलाओ ना, सूरज सा को अपने हाथ से खिलाओ ना। रुको, ये ऐसे नहीं मानेंगी। उठिए भाभी, आइए। देखिए यह चम्मच, इसको ऐसे पकड़िए, और ये आगे 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 आगे, और ये भैया के मुंह में। सूरज साहब, अब कोई बढ़िया सी तारीफ सुना दो भाभी के लिए छंदों में। हाँ सुनाइए भैया सुनाइए। मीठे गुड़ की मीठी डली सी, मीठी चाशनी की धार, मीठो करियो संसार अपनो, ते मीठो मीठो। ते मीठो मीठो साप, अचार अचार। अरे पागल, अचार कब खिलाया भाभी ने? मीठो मीठो सो घर बार, है ना भैया? रे पागलों की फौज, ना अचार ना घर बार, मीठो मीठो सो प्यार। डब्बा कहाँ से आया? ये उबड़ खाबड़ सा क्या है?
लगता है किसी ने नींद में मूंग के दाल का हलवा बनाने की कोशिश की है। आधा पकाकर झपकी मार ली। गांठे ही गांठे हैं, जैसे हलवे को फुंसियां हो गई हूँ और मीठा भी नहीं डाला। मगर ये आया कहाँ से ऐसी मिठाई और सूरज भैया की दुकान पे? ना ना, भावर लाल राठी। ये कौन है? ओ मारा, ये तो सूरज भैया के घर से आया है। रुक, के कर रही है? भाबो, वो झूठे बर्तन रसोई में रखने जा रही थी। मीना बीनणी, खड़ी के है? थारी जिठानी जी के हाथ से झूठी थाली ले ले। नहीं नहीं भाबो, मैं कर लूंगी। सूरज की बीनणी, सास ससुर की झूठी थाली बड़ी बहू उठावे और जेठानी जी की देवरानी, इससे प्यार बढ़े, पुण्य मिले। वैसे भी इसने इतने पाप किए हैं कि जितने पुण्य कमाले उतने कम है। खड़ी के है, जेठानी जी के हाथ से झूठी थाली ले ले। सूरज भैया, गलती से घर का डिब्बा दुकान में घुस गया। रे, ये तुम्हारे घर का है, लिया लिया दे मने। ये लो। छोटू, कितनी बार कह चुकी हूं कि घर के बर्तन और दुकान के बर्तन ना मिलाया करो। अरे भाबो, पर मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये डब्बा दुकान में कहां से आया। अब पैर तो ना है इसके जो ये निकल गया होगा कि जाऊं जाकर दुकान पर देखूं कि कौन सी मिठाई बन रही है। कोई तो लेकर गया होगा ना। अरे इतनी जोर से बंद कर रखा है कि मारे से भी ना खुल रहा है। सूरज, वैसे के है इस डब्बे में? भाबो, कुछ अजीब। के होयो? सुई चुप गई के? चुप हो गया? नहीं भाबू, वो रेंट दे, मैं ही खोल देती हूँ।